हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब पहले की वीडियो में जान चुके होंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल में होम बार का यूज़ करेंगे, इंसर्ट टैब का यूज़ करेंगे और इसके साथ पेज लेआउट का किस तरीके से हम एक्सेल में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब के बारे में हम पिछली वाली वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फार्मूलों के बारे में, ठीक है। तो हम आज की जर्नी फार्मूले के ऊपर है, ठीक है। जितनी भी हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो फार्मूले के ऊपर होने वाली है, और आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी वो अब फार्मूले के बारे में होंगी, ठीक है। आगे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन और सम, ठीक है, ऑटो सम के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंसर्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन का यूज़ क्यों होता है और किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ क्यों होता है, जैसे कि अगर मुझे कोई भी फार्मूला है उसको ढूंढना है, ठीक है, उसको फाइंड करना है। तो जैसे कि मुझे सम का फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक कर, देखो सम का फार्मूला फाइंड हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं PPMT का फार्मूला फाइंड करता हूँ। तो PPMT का फार्मूला मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके ये एक फार्मूला है, देखिए, ठीक है। तो मेरा ये जो फार्मूला है वो फाइंड हो चुका है, ठीक है। इसी जैसे कि कोई फार्मूला फाइंड करना हो तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे ऑटो सम, ठीक है। तो ऑटो सम हमारा जैसे कि नॉर्मली प्लस माइनस भाग गुणा, ठीक है, कोई भी हमारे पास ऐसे सम है तो उसके लिए हम इस ऑटो सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं हम अभी बताते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जैसे कि 12 है, ठीक है, 12 है, सॉरी 12 नहीं 23 है, ठीक है, 23 और मेरे पास है 56 है, ठीक है। तो इन दोनों क्या करना है, मुझे गुणा करना है, ठीक है। गुणा करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से गुणा होगा, मैं जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या किया, सम पर क्लिक किया, देखो सम का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं यहाँ पर ये देखो जैसे कि मेरे स्टार है, ठीक है, आप जैसे कि मैंने स्टार का जो सिंबल होता है वो मैंने बीच में, ठीक है, एंटर कर दिया। तो जो हमारे स्टार का सिंबल होता है वो होता है गुणा का सिंबल, ठीक है। तो किसका सिंबल होता है, गुणा का, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, इनको गुणा करना था, तो क्लिक कर दिया दूसरे को, ठीक है, और एंटर का बटन दबा दिया। तो देखिए इसको और इसको क्या हो गया, इसका गुणा हो गया, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट हैं कोई वर्ड का या कोई भी टेक्स्ट का, ठीक है, या कोई फॉन्ट का गुणा कर सकते हैं। अगर हमें कोई भाग करना है तो देखिए क्लिक किया, अब जैसे कि मेरे ही गुणा का निशान था, इसको मैं भाग बना दूंगा। तो देखिए अगर हमें भाग करना हो तो हमारे पास, ठीक है, ये वाले साइन को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्लिक कर दूँ, देखो इन दोनों क्या हो गया, भाग आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी अपने डॉक्यूमेंट में भाग गुणा सम प्लस माइनस इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लिक किया, अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस और एंटर दबा दिया। तो देखिए माइनस हो गया, ठीक है। अगर इसको प्लस करना है तो देखिए दोबारा इस पर क्लिक कर देते हैं एक बार मैं, ठीक है, ठीक है, अब प्लस कर लगा देता हूँ साइन, ठीक है। तो ये सारा हमारा साइन क्या चक्कर साइन का है, ठीक है, ठीक है, लगा दिया और एंटर दबा दिया। तो देखिए हम दोनों क्या हुए, प्लस हो गए, अभी क्या था, माइनस गुणा भाग, ठीक है। इसी तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे बहुत से फॉर्मूले वो किस तरीके से यूज़ होंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इन सारे जितने भी ये सारे फॉर्मूले हैं इनका किस तरीके से यूज़ होगा वो मैं आपको एक, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं छोटी सी फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये फाइल ले ली, ठीक है, तो इसको मैंने अभी डिलीट किया। अब मुझे एक मेरी जो क्लास है ना, 7th क्लास है, उसका क्या है, छोटा सा डॉक्यूमेंट मेरा बन रखा है, ठीक है। क्लास में कितने 9 बच्चे हैं और 9 के कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि जो 9 बच्चे उन्होंने हिंदी में कितने, सॉरी मैथ में कितने लिए, हिंदी में कितने लिए और इंग्लिश में कितने नंबर लिए, तो वो हमारे सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इन जितने मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो भी नंबर हैं उनको क्या करते हैं, प्लस करना है और उसका एवरेज निकालना है, काउंट करना है, और इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम
लिखा नहीं है, ठीक है। तो वो किस तरीके से यूज़ होगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ सम, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सम करूँगा, ठीक है। तो दोबारा यहाँ से फॉर्मूला ले सकता हूँ या शॉर्टकट ट्री एक है हमारे पास, जैसे कि मैंने ये साइन लगाया और लिख दिया सम। तो देखिए सम अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और नंबर को एंटर करवाया था, जैसे कि मैंने ये तीनों नंबर एंटर करवा दिया, ब्रैकेट क्लोज और ख़त्म। देखिए हमारे जो भी हमारे तीनों नंबर थे उनके क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसी तरीके से अगर आप इन सब के भी प्लस देखना चाहते हैं, ठीक है, जोड़ देखना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा कुछ मत करिए। बार बार फॉर्मूले लगाने के यूज़ नियम है कि फॉर्मूले एक ही डॉक्यूमेंट में या एक ही बच्चे के सामने लगाने, ठीक है, एक ही बच्चे के मार्क्स के सामने लगाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने, ठीक है, हमारा जो ये सेल है, ठीक है, सेल के क्या लाइट राइट में क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना ये ऑप्शन आता है प्लस का, ठीक है, जिसको नीचे खींचना है। और देखिए अपने अभी सबके क्या नंबर प्लस हो गए। उसके बाद हम कर लेते हैं एवरेज निकाल लेते हैं इनका। देखो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी एवरेज निकालेंगे हम एवरेज, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता रखा है, तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एवरेज लगा लिया, ठीक है, लगा दिया। अब देखो सारे प्लस नहीं करने हैं, ठीक है, हमें जितने नंबर हमें दे रखे ना उतने को प्लस करना है, याद रखना, हमें सब प्लस नहीं करने, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एंटर कर दिया, ठीक है, और इसको हम नीचे खींच देते हैं। देखिए सबके एवरेज आ गए, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर आप में आपके पास कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है, तो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, नहीं, आपके कोई भी डाउट है उसको क्या करना है, पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट लिख सकते हैं नीचे। अब इसके बाद क्या था हमारा अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो लगा दे अकाउंट का फॉर्मूला। तो अब देखो हमें जितने हमारे पास नंबर होते हैं, जितने बच्चों ने नंबर ले रखे हैं उतने हमें सेलेक्ट करने, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमने ये तीनों सेलेक्ट कर लिया और एंटर का बटन दबाया। देखो कितने नंबर थे हमारे, 1, 2, 3, तो 3 आ चुके हैं, ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल क्या करेक्ट है, ठीक है। तो देखो 3 आ गया। अब हमारे क्या लगा देते हैं, मैक्सिमम लगा लेते हैं। तो मैक्सिमम हमारा बड़ा नंबर होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं MX, ठीक है, मैक्सिमम आ गया। तो ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर शॉर्टकट की पता है, ठीक है, और आपको पता है कि मैं आपको हर बार, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिखाता हूँ जैसे कि आपको जल्दी जल्दी सीखने या समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको नॉर्मल समझाता हूँ जैसे कि कोई भी डाउट आपके पास ना रहे, ठीक है। तो मैक्सिमम का भी वही उसी फॉर्मूला, ठीक है, तो हम तीनों को फिर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और एंटर दबा देते हैं। और 90 आया, अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ठीक है, तो आगे मेरा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने आपको यूज़ करके सिखाई है ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है, कुछ भी ऑल ऑफ थिंग्स नहीं है, तो आप समझिए और आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमारे, ये हमारे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।